हेलो गाइस, अन्नपूर्णा रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी की चावल के फरे, जो उड़द दाल और चना दाल मिक्स करके बनेगी। देखिए, ये मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे पहले उड़द और चने की दाल। इसको मैंने पेस्ट बना के रख लिया है। इसमें क्या क्या पड़ेगा, इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी पीसी हुई है गाइस। इसमें देखिए 2 चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। भुना हुआ जीरा 2 चम्मच है और 1/2 चम्मच गरम मसाला, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, गाइस ये सब इसमें पड़ेगा। देखिए, पहले हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। फिर जो हमने जीरा और गरम मसाला लिया है गाइस, इसको डाल देंगे। ये डाल दिया गरम मसाला, थोड़ा भुना हुआ जीरा और नमक। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं गाइस, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती बारीक कटी हुई और इन सबको मिक्स कर देंगे। और ये मैंने गाइस चावल का आटा लिया हुआ है, जो मैंने गर्म पानी से सान लिया है इसको थोड़ा सा। चावल का आटा आपको बाज़ार में अवेलेबल हो जाएगा, ला के इसको बनाइएगा। थोड़ी देर मैंने आटे को सान के रेस्ट होने के लिए रख दिया है। अब इसको गाइस हम हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, ये मैंने ये चावल के आटे की ये पूड़ियाँ बना ली हैं, ये पापड़ बनाने की मशीन से, इसी से दबा दबा के। आप घर में बेल के किसी भी ढक्कन से कटिंग करके छोटी छोटी पूड़ियाँ बना सकते हैं। अब इसको हम भरेंगे। देखिए गाइस कैसे बनते, उसको ऐसे पतला पतला पूड़ियाँ बनाइएगा तो अच्छी लाल और क्रिस्पी हो जाती हैं। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दाल भरते हुए इसको ऐसे पैक कर दें। मैंने कढ़ाई को पहले प्री हीटेड कर दिया है, इस पर ये इस तरह से लगा दें। इसी तरह गाइस हम सारी जितनी हमने पूड़ियाँ बनाई हैं इन सब पूड़ियों को हम लगा देंगे और धीमी आंच पे, एकदम धीमी आंच पे हम इसको पकाएंगे 10 मिनट से 15 मिनट तक, जब तक दाल नहीं पक जाती। आप दाल को चेक कर सकते हैं थोड़े से चक्कू की सहायता से, इस तरह। इसमें थोड़ा सा गाइस हम भाप में भी, मतलब जैसे दाल को पकाने के लिए ढक के थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे भी मारेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। ये गाइस यूपी में बहुत ही पसंद किया जाता है, इसको बहुत ही टेस्टी लगता है। हरी धनिया की चटनी के साथ आप बनाइए। इस तरह से गाइस हम सारी पूड़ियों को फेंक लेंगे। देखिए, अब हम इनको ढक के गाइस इस तरह को प्लेट से ढाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर हम चम्मच की सहायता से धीरे धीरे इसको खोल के एक तरफ से ऐसे हल्का सा करके गए, हल्का सा पानी जो इस तरह से इसको बंद कर। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए अपने को छोड़ देंगे। इसके बाद चेक करेंगे, बीच बीच में चेक करते जाएंगे, खोल के एक बार दो बार कि क्या दाल हमारी पक गई है कि नहीं। नहीं पकी तो आप फिर से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं और सरसों के तेल में ही बनाइएगा, वो अच्छा लगता है उसमें। देखिए गाइस, इसको इस तरह करके चारों तरफ तेल घुमा के सारे फरों को हम लाल कर लेंगे।
दाल पक गई है, आप दाल को ऐसे चेक कर सकते हैं, चक्कू में नहीं लगेगी तो इसका मतलब दाल पक गई है। दही में इसको थोड़ा सा पलट दिया, देखिए कितना अच्छा लाल एकदम बढ़िया सा कलर आया है। इस तरह से हम पलटेंगे, देखिए गाइस ये चावल के फरे बनके रेडी हो गए हैं। इसको आप घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बहुत ही डिलीशियस होते हैं। और ये गाइस हरी चटनी के साथ ही सर्व करिएगा, इसका टेस्ट फरे का टेस्ट इसी के साथ आते हैं। आप ऐसे इसको खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करिए, सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, बाय गाइस।